पूज्य भगवान महावीर तथागत भगवान बुद्ध विज्ञ होते हुए भी लोक भाषाओं में गीता के ही संदेश वाहक हैं। आत्मा सत्य है और पूर्ण संयम से आत्मस्थिति का विधान है, ये गीता का ही विचार है। बुद्ध ने उसी तत्व को सर्वज्ञ तथा अविनाशी पद कहकर गीता के ही विचार को पुष्ट किया है। इतना ही नहीं, अपितु विश्व वाडम्बय में धर्म के नाम पर जो कुछ भी सार सर्वस्व है, जैसे एक ईश्वर, प्रार्थना, पश्चाताप, तप इत्यादि गीता के ही उपदेश हैं। वही उपदेश स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के मुखाब से निःसृत यथार्थ गीता कैसेट रूप में मानव मात्र की मुक्ति का दिव्य संदेश बनकर उपस्थित है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमो अध्यायः। अध्याय तीन में अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवन, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। किंतु अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया था कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। अर्जुन उवाच। सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे श्री कृष्ण, आप कभी सन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको दो मार्ग बताए जाएं, तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच। सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन, सन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग, निष्काम भावना से किए जाने वाले कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों से सन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है? ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वो सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है।
चाहे वो ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों ना हो। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वो पुरुष सुखपूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। निष्काम कर्मयोग तथा ज्ञान योग इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना सन्यासह का प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। पीछे जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, अर्जुन इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है, तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना सन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहो कि मैं परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है।
साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म की ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही सन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है इस पर कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जीती हुई है इंद्रियां जिसकी और विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वो कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उस तत्व में वो स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वो कर्मों से आवृत नहीं होता। ये योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वो करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की ये मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। ये उसकी कल्पना नहीं बल्कि ये स्थिति उसने कर्म करके पाई है। अब प्राप्ति के पश्चात वो सब कुछ सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं। ऐसी धारणा वाला होता है परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वो स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वो किसी का स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहां और पीछे त्यागेगा क्या? इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वो करता क्यों है?
आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए इसी पर पल देते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलय हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? नहीं, वे सर्व भूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वो कर्म करता है। स्वरूप से वो कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वो सक्रिय दिखाई देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐठन आकार शेष है, जिससे बंध नहीं सकता। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वो कभी अशांत नहीं होता। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ, फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी कामकारेण निबध्यते, कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करें, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग है, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वो अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले नौ द्वारों, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका छिद्र, एक मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वो न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वो प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ, महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता, वो जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है।
महापुरुष के लिए शरीर मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वो उनके द्वारा है। वस्तुतः वो पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। वो प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वो बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्रायः लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र हैं, हमसे वे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वो प्रभु स्वयं करता है, न कराता है और न वो जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपनी स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? इस पर योगेश्वर बताते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहां विभु कहा गया है, क्योंकि वो संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वो परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु हैं, मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पष्ट करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषां आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। जिनके अंतःकरण का वो अज्ञान जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है, और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वो तो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, स्वयं प्रकाश रूप है। है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है, तो उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तत्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। आगे देखें। विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपना वर्ती परम गति को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जन विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है, न गाय धर्म है और न कुत्ता अधर्म, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गोसेवा की थी, उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीव आत्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परिवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया आराधना। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ते, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वो पुरुष रहा कहां? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम हि समम ब्रह्म। वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, इधर उनका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। यह कब मिलता है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है, उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। उसका कोई प्रिय प्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वो हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसा धर्मावलंबी चिन्ह लगाते हैं उसे पाकर वो उद्वेगवान नहीं होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़, संशय रहित ब्रह्मविद, ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मणि स्थितः,
परात पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाह्य स्पर्शेश्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् सब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वो पुरुष ब्रह्म योग युक्त आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए वो अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनयः दुखद योनियों के ही कारण हैं। ये भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कौन्तेय विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त ससुखी नरः। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वही नर नरमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है। जिसके पीछे दुख नहीं है उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधू जीवत में कर आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीते। इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे हैं, योन्तः सुखोन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरारामः अंतरात्मा में ही आराम वाला, तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्म भूत ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम वाणी से परे ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखें, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीण कल्मषाः
छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लोग लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वो दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। तथा यतात्मानः, जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया था, उसी को समझा रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो नासाभ्यन्तरचारिणम् यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का न चिंतन करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके। भ्रुवोह अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भावों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रिकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रिकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे पड़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें, नाक की डाणी पर सीधी दृष्टि रखते हुए नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करो और सुरत को श्वास में लगा दो कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी। लगभग आधा सेकंड रुकती है, प्रयास करके न रोकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सुरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सुरत एकदम खड़ी हो जाती है, तैल धारावत। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वो कहां जाता है, क्या पाता है, इस पर कहते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वो मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोगता मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वो मैं हूं, वो मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वो मेरा ही स्वरूप है। वो मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वो भी है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप सन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है। बिना इसे किए सन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। सन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं मैं ही हूं। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूं, अर्थात श्री कृष्ण जैसा, महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूप मय हो जाता है, उस परमात्मा के साथ एकी भाव पा लेता है, अर्थात एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता, महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वरः नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का पांचवा अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।